देखिए कोई भी खिलाड़ी जो है ना, क्रिकेटर हो या फुटबॉल या हॉकी या जिमनास्टिक्स में भाग लेने वाला, वो क्या करता है, उसको ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है कि वो कमरे में बैठ के पहले मैच जीतता है। अपने कमरे में बैठेगा, सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को करेगा, पूरा इमेजिनेशन करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, अपने आप को अफर्मेशन देगा, मतलब वो पूरी मैच के मैच खेलेगा अपने कमरे में बैठ के। तो जब वो खेलने जाता है तो एक्चुअली वो सेकंड टाइम खेल रहा है, पहले टाइम कहाँ खेला, कमरे में। समझो क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट खेल रहा है, और वो अभी देखो ना, 1-1 लाख लोग बैठे हुए स्टेडियम में, हल्ला गुल्ला कर रहे, तूफान कर रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, और वो क्रिकेटर जो उसके 90 हो गए, 92, 95, 96, अब उसको मालूम है सेंचुरी मारना है, और इतना धूमधाम चालू है सब स्टेडियम में, मगर वो कितना शांत रहता है, कितना रिलैक्स रहता है। और जो लोग रहते नहीं है, टेंशन में आते हैं, वो आउट हो जाते हैं 98-99। मगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे एकदम जो बिल्कुल फौराजी दिल के रहते हैं, कि जो खुद को हिप्नोटाइज करके पूरा उनका फोकस वो बॉल के ऊपर रहता है, कि बॉल आया कि मेरे को सेंटर में लेना है, बैट के ऊपर सेंटर में, और उसको मारना है, नीचे से मारो या इतना ऊपर से मारो कि छक्का जाएगा या चौका जाएगा, गैप में मारे तो वो ट्रेनिंग आवश्यक है। तो इसलिए विजुअलाइजेशन का बहुत महत्व है। जो भी आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो आप बन गए। एक्सपीरियंशियल करना है, एक्सपीरियंस आपको हो रहा है उसका, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, उसकी तस्वीर बनाना, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आप तस्वीर बनाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि एक्चुअली हो रहा है, उसको ये मालूम नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को कि आप कमरे में बैठ के कर रहे हैं कि एक्चुअल कर रहे हैं, उसको लगता है कि एक्चुअली हो रहा है, और आप असल में कहां बैठे हो, कमरे में बैठे हो, उसको लगता है कि आप एक्चुअल सिचुएशन में। तो आप जब सिचुएशन में जाते तो आपकी तो पहली प्रैक्टिस हो चुकी है, और आप तो वो सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो जितने बार आप कमरे में बैठ के वो मैच जीतोगे, जितने ज्यादा बार जीतोगे कमरे बैठ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो जब एक्चुअली खेलने जाएंगे तो आपकी बहुत बार प्रैक्टिस हुई है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह तैयार है कि ऐसा बॉल आएगा तो मैं ऐसा खेलूंगा, ऐसा बॉल आएगा तो मैं ऐसा खेलूंगा, इस तरह से बॉल आएगा तो मैं ऐसा मार रहा हूं, अलग अलग तरह से बॉलिंग हो रही है, बॉल आ रहा है, मैं ऐसा मार रहा हूं। इतनी प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को करवाते हैं कि जब खेलने जाते हैं तो वो हैबिट हो चुकी रहती है, हैबिचुअली मारता है, कोई सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, इतनी प्रैक्टिस उनकी होती है। तो सब खेल जो है जीतने का, अपने लाइफ में कुछ बदल लाने का, अपने को जो चाहिए वो पाने का, तो वो सेल्फ हिप्नोटाइज करना, और सेल्फ हिप्नोटाइज करके विजुअलाइजेशन करना, उसमें सजेशंस देना, अफर्मेशंस देना, बार बार करना, बस उससे होता है।